कोई भी हल्की से हल्की टीम आ जाए, भावर नहीं खेलना, उसको खिला देगा और उसने जनाब अपने रन बना के आईसीसी अवार्ड तो अपने नाम। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती है वो बाबर आजम को एज एन ओपनर खिलाने की। उस दिन आप ही के प्रोग्राम में बैठे हुए वो सिलेक्टर थे जिन्होंने बाबर आजम को सिलेक्ट किया था, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि बाबर आजम अगर इसी स्टाइल से खेलते रहे तो टीम में जगह ही नहीं बनती है ना। को पता ही नहीं है कि कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अपने आप को नीचे करो उसको ऊपर करो यार, इसमें क्या जा रहा है आपका। ठीक है, मगर मैं चूंकि बाबर आजम हूं, मेरे नाम के साथ किंग लगता है, मेरे साथ सारे। आपको ऐसा लगता है कि आप वो कहते ना कि अपने दिए को चांद दिखाने के वास्ते दूसरों के दिए बुझाने पड़े, आपको लगता है कि बाबर आजम को, ठीक है हम सबके स्टार हैं, हम सबके लिए ऑनर की बात है, पाकिस्तान के कप्तान हैं, पाकिस्तान की प्राइड है, लेकिन जो गलत खेल रहे हैं, अच्छा नहीं खेल रहे, तो हमें उसको जरूर एनालाइज करना है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपनी खामियों पे काबू पाए और बिना वजह की जो सताइश है वो शायद इनका कैरियर खराब ना कर दे। आपको लगता है कि जिस तरह बाबर आजम खेल रहे हैं, इनकी कारकर्दगी को छुपाने के लिए शाहिद मसूद की परफॉर्मेंस पे आप बात नहीं कर रहे, आप इसके अलावा रिजवान की परफॉर्मेंस पे उस तरह से बात नहीं कर रहे?